हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हंगरी का नया इमिग्रेशन लॉ इफेक्ट में आ गया है 1 जनवरी 2024 से। अब देखिए ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ उसमें, ठीक है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ey.com का, अर्नस्ट एंड यंग का, जिनके माध्यम से ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस साइट पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हंगरीज न्यू इमिग्रेशन बिल हैज़ बीन अप्रूव बाई द पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और ये 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा, जबकि इसको 9 महीने बाद लागू होना था। आप खुद देखिए क्या लिखा है, इट इज़ नाउ सेट टू गो इन टू इफेक्ट ऑन 1 जैन 2024, 9 मंथ्स अर्लियर देन इनिशियली एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब क्या क्या है इसमें, द न्यू बिल इंट्रोड्यूसेस मेजर चेंजेस टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस फॉर थर्ड कंट्री नेशनल्स, इंक्लूडिंग सेपरेट कैटेगरी ऑफ वर्क परमिट फॉर स्किल्ड वर्कर्स, गेस्ट वर्कर्स, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू परमिट फॉर इन्वेस्टर्स दैट विल बी वैलिड फॉर 10 ईयर्स। मतलब जो लोग हंगरी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके लिए 10 साल तक का वीज़ा ये लोग देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस अभी देखिए और भी वर्क परमिट स्किल्ड वर्कर्स के लिए और एक गेस्ट वर्कर के लिए भी ये लोग एक स्कीम लाने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा, पक्का अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 1 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक कोई भी वर्क परमिट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द इमिग्रेशन अथॉरिटीज विल नॉट एक्सेप्ट न्यू परमिट एप्लीकेशंस बिटवीन 1 जनवरी 2024 एंड 29 फरवरी 2024, एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग रेजिडेंस परमिट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन मिनिस्टरियल अप्रूवल। मतलब आपको हंगरी में अगर आपका कोई जुगाड़ है मिनिस्टर लेवल पे हंगरी की गवर्नमेंट में, तब आप वहाँ का रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है इन डेट्स के बीच में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जो लोग ऑलरेडी हंगरी में हैं जिनका वर्क परमिट इन डेज में 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच में एक्सपायर होने वाला है, वो लोग क्या करिएगा, उनको कुछ नहीं करना है उनका, देखिए ऑटोमेटिकली आपका 30 अप्रैल 2024 तक एक्सटेंड हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो लोग अपना एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत की बात है। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड बिफोर 1 जनवरी 2024 विल आल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब आप लोगों के जिनके भी वीज़ा पे डिसीजन नहीं आया है, आपको 29 फरवरी तक वेट करना पड़ेगा, मतलब 1 मार्च के बाद ही आपका डिसीजन आएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो लोग भी हंगरी के लिए प्लान कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 1 जनवरी से 29 फरवरी, मतलब 2 महीने हंगरी के बारे में मत सोचिए, 1 मार्च के बाद अप्लाई करिए, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इन्होंने एक यहाँ पे PDF डॉक्यूमेंट निकाला है, ये मैंने डाउनलोड किया है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मोबिलिटी इमिग्रेशन अलर्ट December 2023 का हंगरी का है, इन्होंने बताया है यहाँ पे, पूरा बताया है। देखिए अगर आप न्यू बिल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये बिल यहाँ पे खुल जाती है, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या है, ये देखिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इन्होंने बताया है कि यहाँ पे प्रपोज बिल इफ अप्रूव्ड विल इंप्लीमेंट द फॉलोइंग चेंजेस, 2 सेपरेट कैटेगरीज ऑफ परमिट्स विल बी अवेलेबल फॉर थर्ड कंट्री नेशनल्स हु सीक टू वर्क इन हंगरी, 1 फॉर स्किल्ड वर्कर्स एंड अनदर फॉर गेस्ट। मतलब स्किल्ड वाले को वाइट कॉलर बोला जाएगा और गेस्ट वाले को ब्लू कॉलर बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 सितंबर 2024 को लागू होने वाला था, बट ये पहले ही 9 महीने पहले, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, 1 जनवरी 2024 को लागू हो चुका है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, परमिट फॉर स्किल्ड वर्कर्स विल ऑथराइज होल्डर्स टू रेसाइड इन हंगरी फॉर अप टू 3 ईयर्स कंपेयर टू 2 ईयर्स फॉर होल्डर्स ऑफ कंबाइंड वर्क एंड रेजिडेंट परमिट, तो ये तो अच्छी बात है, 3 साल तक बढ़ जाएगा। होल्डर्स ऑफ गेस्ट वर्कर परमिट्स विल बी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे, विल नॉट बी एबल टू स्पॉन्सर फैमिली मेंबर्स एंड विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ परमानेंट रेजिडेंस। मतलब जो गेस्ट वर्कर हैं उनको वो फैमिली लेके नहीं आ पाएंगे, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका नाम देखिए क्या है, गेस्ट वर्कर है। मतलब आप गेस्ट की तरह आइए, काम करिए और गेस्ट की तरह वापस चले जाइए। चौथा क्या है, न्यू टाइप ऑफ परमिट वैलिड फॉर 10 ईयर्स विल बी इंट्रोड्यूस फॉर इंडिविजुअल्स हु मेक क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट इन हंगरी फॉर एटलीस्ट इतना यूरो आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको 10 साल का हंगरी का वीज़ा मिलेगा। कितना है देखिए, 2,50,000 यूरो आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपके पास इतना पैसा है इन्वेस्ट करिए और 10 साल का वीज़ा ले लीजिए, ये हंगरी का नया है। पाँचवा क्या है, चेंजेस विल बी मेड टू इमिग्रेशन प्रोसेस टू रिड्यूस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम्स, ठीक है। तो ये चेंजेस देखिए, ये जो बिल बनी थी 1 सितंबर 2024 को लागू होने वाली थी, लेकिन 1 जनवरी को लागू हुई है, 2 महीने फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अप्लाई मत करिए वरना आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए आप अगर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके आप टाइप करिए
ये देखिए हंगरी एम्बेसी, ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइप करिए, ये आपके सामने हंगरी एम्बेसी का पेज खुलेगा। वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, delhi.mfa.gov.hu। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कैसे आप अपना अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं 1 मार्च 2024 के बाद, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहीं से लीजिए, इस वेबसाइट से। ये देखिए साइट यहाँ खुल गई, मेनू पे आइए, मेनू पे क्लिक करिए, मेनू पे जब आप क्लिक करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन सारी यहीं से मिलेगी। ये देखिए काउंसिल इन्फॉर्मेशन पे आप आ गए, जब आप मेनू पे क्लिक करके काउंसिल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे यूज़फुल काउंसिल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाती है, लेटेस्ट काउंसलर न्यूज़, ये देखिए यहाँ पे लेटेस्ट काउंसलर न्यूज़ है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे आइए और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लीजिए, कैसे आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है आपको। देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ये जो इतने लोग हैं, ठीक है, ये न्यू दिल्ली के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, दिल्ली से लेकर लद्दाख तक, ये देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग जो हैं ये राज्य वाले, आप दिल्ली जाइएगा, ठीक है, और ये जो लोग हैं मुंबई जाएंगे, कौन कौन, ये देखिए यहाँ पे कौन कौन, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, दमन दीव, दादर नगर, ये सब लोग काउंसिल जनरल मुंबई। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो टाइटल फेस हो जाएगा, ठीक है। वेयर कैन यू सबमिट योर एप्लीकेशन, एप्लीकेंट शुड कॉन्टैक्ट VFS ग्लोबल डायरेक्टली इन ऑर्डर टू अरेंज। ये बॉम्बे वाले VFS ग्लोबल कर सकते हैं, जो दिल्ली वाले हैं उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ईमेल के थ्रू, और जो अपॉइंटमेंट है वो केवल स्लोवाकिया, ये हंगरी की केवल कंपनी ले सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। स्लोवाकिया भी वही रूल है फ्रेंड्स, इसलिए मेरे मुँह से स्लोवाकिया निकल गया, स्लोवाकिया का भी रूल वही हो गया है कि स्लोवाकिया केवल कंपनी ले सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये लेटेस्ट अपडेट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप जा रहे हैं तो इस चीज़ को पक्का रखिएगा ध्यान में कि अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से 1 जनवरी 2024, 9 मंथ्स अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये अभी चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स इन दो डेट्स पे 1 जनवरी 2024 और 29 फरवरी 2024 तक प्लीज़ हंगरी वर्क परमिट के लिए अप्लाई मत करिए, नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट है मेरे व्हाट्सएप पर आइए, कमेंट से पूछिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड अपना एजेंट खुद बनिए।